दुल्हेंडी पर नशे में डूबना पड़ा भारी। रोड पर चल रहे लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। नशे में धुत सफाई कर्मचारी ने दौड़ाई रोडवेज बस, सामने आया बेकाबू बस का सीसीटीवी फुटेज। रोडवेज बस अड्डे पर नशे में धुत सफाई कर्मचारी ने किलोमीटर स्कीम की बस को जमकर दौड़ाया। गड़ी बोलनी रोड पर बस पूरी तरह से बेकाबू हो गई। कई लोग बस की चपेट में आने से बाल बाल बचे। दुल्हेंडी के दिन दोपहर को शहर के गड़ी बोलनी रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत रोडवेज की किलोमीटर स्कीम में अनुबंधित बस को दौड़ा दिया। जिमखाना क्लब के पास बस के अनियंत्रित होने के बाद उसकी टक्कर से 3 बिजली के पोल भी टूट गए और इसके बाद सेक्टर 4 की सड़क पर तीसरे पोल को तोड़कर बस रुक गई। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। सड़क पर चल रहे लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। गनीमत यह रही कि दुल्हेंडी का दिन होने के कारण सड़क पर आवाजाही बहुत ही कम थी। पोल टूटने से राजीव नगर फीड की आपूर्ति भी प्रभावित रही। सफाईकर्मी को इस हरकत के चलते खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बिजली निगम को हुए नुकसान का हजाना भी देना पड़ा है। रेवाड़ी डिपो में किलोमीटर स्कीम के तहत 30 अनुबंधित बसें हैं, जिनके रखरखाव का जिम्मा संबंधित एजेंसी के पास ही है। बसों को संचालित करने वाली एजेंसी ने सुबह ही अपने चालकों को काम पर बुला लिया और इसके बाद डिपो और प्रजापति चौक पर खड़ी की जाने वाली बसों की वॉशिंग कराकर उन्हें लगभग 9:30 बजे बस स्टैंड के अंदर खड़ी करा दिया। उस समय बसों में सफाई का कामकाज करने वाला एक कर्मी भी वहां पर मौजूद था। चालकों के जाने के बाद सफाईकर्मी ने एक बस को स्टॉप कर लिया और उसके बाद वह बस को सर्कुलर रोड से ले जाते हुए गड़ी बोलनी रोड पर ले गया। कर्मी बस को ले जाते समय पूरी तरह से नशे में था, लेकिन उस समय सड़क पर ट्रैफिक कम था।